माहिती त्याच्याबद्दल मी खास सांगू शकत नाही, कारण ते फोटो मी बघितलेले नाही आहे. तसा तिचा मोबाईल पण आमच्याकडे अजूनपर्यंत मिळालेला नाही आहे, आणि याने डिलीट केलेले फोटोचं पण रिट्रूव्ह करायचं काम चालू आहे. त्यामुळे ते कशा पद्धतीची होती हे मला आम्ही ह्या ठिकाणी नाही सांगू शकत आपल्याला. पण जे काही असेल त्याच्यामध्ये मुद्दा हा आहे की तिची इच्छा नसताना तिला कुठल्या तरी गोष्टीची भीती दाखवून बोलवणे आणि याच्यातनं कृत्य करणं हे बेकायदेशीर कृत्य आहे, त्याच्यामुळे गुन्हा दाखल झालेला आहे. सो बेसिकली यांचा जरी परिचय असला एकमेकांशी डिसीजचा आणि ऍक्युजचा, तरी ती त्याला भेटायला रिस्पॉन्ड करत नव्हती. त्याच्यामुळे हा याच्यामध्ये आणि तिच्यामध्ये भांडण झालं. भांडणामध्ये त्या जागामध्ये येऊन आधीच आणलेल्या चाकूने तिची हत्या केली. त्याला आपण टेक्निकल अनालिसिस नुसार आता सांगितलं की 29 तारखेला सकाळी ताब्यात घेतलं, ॲट्रॉसिटीचं सेक्शनची वाढ करून ॲट्रॉसिटी कोर्टात हजर केलं. 7 तारखेपर्यंत पोलीस कस्टडी त्याला दिलेली आहे आणि तो जो माझ्यासोबत तू बँगलोरला चल अशा प्रकारचा तगादा तो लावत होता, ज्याला ती रिस्पॉन्ड करत नव्हती, आणि जर मला तू भेटली नाहीस तर मी तुझ्या आणि माझे जे काही फोटो माझ्याकडे आहेत ते व्हायरल करेल, अशा प्रकारे धमकी देऊन तिला तो जबरदस्ती करून बोलत होता भेटायला. कुठे जिथे कुठे टाकलाय ते आमचं काम चालू आहे त्याच्यावरती. हत्या उसी स्पॉट पे वो गए, वही उनकी बातें हुई और वही पे गुस्से पे उसने घटना को अंजाम दिया. नाही आता सध्या आम्ही त्याला तिथून पकडलं, म्हणजे त्याच्याकडाकडे राहायला जाऊ न सांगता तिथून तो इकडे जा तिकडे जा असं करत तो फायनली ज्या डेस्टिनेशनला गेला तिथून आम्ही त्याला लोकेट केलेला आहे. 24 तारखेला कुठे भेटले? 24 तारखेला हे त्याच्या म्हणण्यानुसार जुईनगर रेल्वे स्टेशनला भेटले. ते आता काढतील इन्व्हेस्टिगेशन. थँक यू. ये बिल्कुल सही है कि वो इंटेंशन से ही आया था. हत्या का ही उसका मोटिव था, ये उसका प्लानिंग का ही पार्ट था, जिसके तहत ऑलरेडी उसने वेपन साथ में कैरी किया था. तो ये सोची समझी हुई उसकी साजिश है जो उसने इसको हत्या में अंजाम दिया गया है, और वेपन उसने साथ में कैरी करने के बाद ही उसका उसी वेपन से उसने उसे मारा हुआ है. अभी तो हमें एक ही वेपन उसने लाया था ऐसे उसे समझा है. बरामद करने का आगे पता चलेगा और क्या था. नहीं, हमारा एनालिसिस और पुख्ता सबूत दोनों अलग अलग चीजें हैं. अभी जब हम बात कर रहे हैं वो उसके इंट्रोगेशन के ऊपर ही बात कर रहे हैं, तो अभी तक ऐसा कुछ भी सामने आया नहीं है या ना ही उसने कुछ बोला है ऐसा. के लिए एंगल तो त्याला कम्युनल देण्याचा म्हणजे असं काही विषय इथं अजूनपर्यंत काही दिसत नाही. चर्चा काही जरी असल्या तरी हा केवळ एकमेकाच्या संपर्कात आहे असं आता तरी दिसतंय. आता इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये ज्या गोष्टी जसे जसे पुढे येतील त्या आम्ही तुम्हाला इन्फॉर्म करू, पण सध्या तरी तसं काही दिसत नाही आहे. ऐसा कुछ भी अभी तक सामने आया नहीं है. मोहसिन दाऊद का दोस्त था जिसके मोबाइल से उसने इससे पहले डीसी से कॉन्टेक्ट किया है, जिसकी वजह से जब भी इनमें झगड़े होते थे एक दूसरे को ब्लॉक अनब्लॉक करते थे उस दौरान मोहसिन के थ्रू भी बात होती थी. बट इसमें मोहसिन का ट्रायंगल है या और कुछ चीजें ये अभी तक हमारे इन्वेस्टिगेशन में सामने आई हुई नहीं है. शादी से इनकार करने की वजह क्या थी? नहीं, धर्म अलग था, जाति धर्म अलग था, ये एक वजह थी या फिर वो उसके काबिल नहीं था, कोई तो रीजन होगा. दाऊद ने इनिशियल लेवल पे ये चीज को बताई होगी मर्डर की. उसने सिर्फ इतना ही बताया कि वो मैं उसे बोल रहा था मेरे साथ बेंगलोर चलो, और जिसके लिए वो राजी नहीं थी. दैट्स इट, इतने उसने भी बताया. ऐसा है कि जब वो बेल पे रिहा हुआ उसके बाद उसका कुछ एक्सीडेंट हुआ ऐसा उसका बोलना है, जिसमें उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, उसके सर को लग गया और वो एकदम बेड रिडन था. फिर उसका कम्युनिकेशन भी उसके साथ था नहीं बीच में, बट जब उसे थोड़ा होश आया उसने फिर से अपना मोबाइल उसे मिला और उसका जो दोस्त है उसके माध्यम से उसका संपर्क हुआ, तो उसके बाद फिर से उसने बात करने की कोशिश उस लड़की से की है, जिसके तहत वो बीच में एक दो बार मिलने यहाँ पे आया है ऐसे उसने बोला है, जिसकी पुष्टि अभी तक हमने की नहीं है.
और मिलने आने के बाद फिर से जब इंसिडेंट हुआ उस दिन वो 23 तारीख को, उसका बोलना है कि वो उसको 23 तारीख को आया, 24 को भी मिला और 25 को हत्या को अंजाम दिया गया। अब कितना फ्रिक्वेंटली था ये तो नहीं बोल सकता, बट हाँ उसके हिसाब से जो उसने बोला है वो आया था मिला था, बट इसका वेरिफिकेशन हम लोग हमारे तरीके से भी कर रहे हैं। हाँ फोन पे तो बात तो उसकी चली रही थी, उसने बोला ये ऑलरेडी, वो तो हमने भी आपको बताया है आए कि 25 तारखेला हा इन्सिडेंट आहे, 27 तारखेला आपल्याकडे अर्ली मॉर्निंगला एक मर्डर दाखल आहे, त्याच्यापूर्वीच 25 तारखेला कुठे गेला वायरलेस? पहले दिन क्या 24 तारीख को मुलाकात हुई थी, उस दिन भी कोई अनबन हुई थी, और अगर 24 को अनबन हुई थी तो फिर 25 को लड़की क्यों राजी हुई, और इस दरमियान क्या किसी फ्रेंड को भी उसने घटना जिस दिन घटी उस दिन फोन किया था, वो फ्रेंड मोहसिन था क्या या कोई और था, उसका स्टेटमेंट भी लिया गया है क्या? स्टेटस अभी ऐसा है कि 24 तारीख को एक्विस्ट के बोलने के हिसाब से वो हाफ डे लेके उसे मिली है जूही नगर रेलवे स्टेशन के करीब करीब, और 25 तारीख को भी उसने उसे मिलने के लिए बुलाया, लड़की उस दिन जाने के लिए राजी नहीं थी। तो बट इसने जो मैंने जिससे इससे पहले कहा है कि इसने धमकी दी कि मैं फोटो अपलोड कर दूंगा, जो उसने फेसबुक पे अपलोड करके बाद में डिलीट किए हैं, तो इसके वजह से लड़की उसे मिलने भी गई, जिसके बाद झगड़े में ये हत्या हुई है। बीच में वो लड़के का भी संपर्क उसके दोस्त से भी हुआ है ऐसा दिख रहा है हमें, और जो उसने बताया कि मैं उससे मिलने जा रही हूँ जो भी है, उसके दौरान भी उसने अपने फ्रेंड को भी कुछ फ़ोन किया था जिसमें मैं मुझे थोड़ा छोड़ा हुआ यहाँ से मैं अटकी हुई हूँ, इस तरह की कुछ बातें उनके बीच में हुई है। वजह का अभी कुछ भी इसके बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि इंट्रोगेशन जो है सिर्फ अभी एक्यूस्ट का ही हो रहा है, इस सभी इंसिडेंट के बारे में सिर्फ एक्यूस्ट को और डिसीज को दोनों को ही पता था। एक्यूस्ट से जितनी मालूम मिली इस हिसाब से वो चाहता था कि उसके साथ लड़की डिसीज जो उसके साथ बैंगलोर जाए, जिसके लिए लड़की मना कर रही थी। अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि लव ट्रायंगल लेके क्या, टैटू के बारे में तो आपने जैसे कहा कि जो नाम का बोला है वो टैटू के बारे में हमें जानकारी है ऑलरेडी, वो इसमें आता ही है इंक्वेस्ट बेंच नामा में। सर ये जानना चाहेंगे कि आरोपी जब पकड़ में आया तो उसने कुछ ऐसी बातें बताई कि झगड़े की मेन क्या वजह थी और क्यों उसने चाकू से वार कर दिया? लड़की उसे मिलना नहीं चाहती, जैसे 24 तारीख को मिली, 25 तारीख को सुबह से उसको बोल रहा था कि मुझे मिलने आ, लड़की जिसके लिए मना कर रही थी, लड़की मिलने जा नहीं रही थी, फिर उसने फेसबुक पे फोटो अपलोड की, फिर आई और उसको बार बार यही बोल रही थी कि तू तो फोटो को डिलीट कर, ये फोटो क्यों रखे है, जिसकी वजह से उनका झगड़ा हो गया और झगड़े में जब गुस्से में उसने उसको मारा है ऐसा उसका बोलना है। अभी वो देखने को नहीं, अभी उसको रिट्रीव डेटा रिट्रीव करने का काम चल रहा है क्योंकि उसने डिलीट कर दिया फोटो। जो वेपन यूज किया गया है वो वेपन अभी तक बरामद हुआ है क्या, क्योंकि जिस तरह से उसकी जो बॉडी का जो फेस है उसको पूरी तरह से स्मैश कर दिया था, कहीं पॉसिबिलिटी है कि उसने स्मैश किया होगा फेस? नहीं अभी जो वेपन बरामद होता है जनरली जो यूज होता है उसे एविडेंस एक्ट के तहत बरामद किया जाता है, अभी डॉक्यूमेंटरी उसका क्या चल रहा है फिलहाल अभी मैं ये यहाँ बैठ के नहीं बोल सकता हूँ, पुलिस स्टेशन का इन्वेस्टिगेशन चालू है, नेचुरली पुलिस कस्टडी उसे आज ही मिली है, तो ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है आगे का। सर मोहसिन ने क्या रोल है, मोहसिन जो है शुरुआत से जब स्कूल पीरियड की आपने बात बताई उसको उससे फ्रेंड थे, ये पूरा इंसिडेंट है 25 तारीख को बुरन की जो डिसीज लड़की है उसकी मिसिंग की कंप्लेंट उसके फादर द्वारा बुरन पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुई, 27 की मॉर्निंग को उसकी जब डेड बॉडी मिली तब FIR 300/2024 बुरन पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड हुआ, BNS Section 103/1 जिसमें अभी एट्रोसिटी का सेक्शन ऐड हो चुका है, जब टेक्निकल एनालिसिस कुछ टीम बनाई गई इसमें हमारे पुलिस आयुक्त श्री आरम्भे सर के इंस्ट्रक्शंस के बाद पुलिस स्टेशन की और क्राइम ब्रांच की, और जो सस्पेक्ट है वो बेंगलोर का रहने वाला है ऐसा जब हमें पता चला, तब बेंगलोर में कर्नाटक बेंगलोर में और गुलबर्गा में कर्नाटक स्टेट में और महाराष्ट्र में लोकल एरिया में भी कुछ टीम डिप्लॉय हुई, जिसके तहत टेक्निकल एनालिसिस और इन्फॉर्मेंट के बेसिस पे हमारे क्राइम ब्रांच के सेंट्रल रोड के PSI रेड्डी और उनकी टीम इन्होंने गुलबर्गा में से 29th को अर्ली मॉर्निंग इस एक्यूज्ड जिसका नाम है दाऊद बसुद्दीन शेख रहने वाला बेंगलोर का है कर्नाटका का, इसको हमने वहाँ से हिरासत में लिया
आज उसे पनवेल के एट्रोसिटी कोर्ट में जब हाजिर किया गया उसे 7 तारीख तक की पुलिस कस्टडी इसमें दी गई है। एक्यूज के इंट्रोगेशन से समझ में आता है कि एक्यूज ये जान पहचान का था डिसीज के 2000 मतलब स्कूल में भी ये पढ़ने के लिए था, बाद में इसकी पढ़ाई छूट गई, लड़की ने आगे पढ़ाई शुरू की, फिर भी उसने उससे कॉन्टैक्ट बनाए रखने की कोशिश की जिसके तहत बीच बीच में उसे मिलने आता था। उसने जब लड़की मना करती थी तो वो उसके धमकियाँ देता था, इस टाइप की जानकारी भी सामने आ रही है कि तुम्हारे कुछ फोटोज है मैं इसे वायरल कर दूंगा। अभी जब लड़की उसे 25 तारीख को 24 तारीख को पहले उसे मिली, फिर इसने 25 तारीख को बुलाया जिस दिन की घटना है, उस दिन वो जाने के लिए जब राजी नहीं थी तो ये समझ में आ रहा है कि उसने कुछ फोटोज भी अपलोड किए थे उसके फेसबुक पे जो बाद में लड़की मिलने जाने के बाद डिसीज मिलने जाने के बाद उसने डिलीट कर दिए। इसकी इच्छा थी कि ये इसके साथ बेंगलोर चले जिसके लिए लड़की राजी नहीं थी जाने के लिए, इनका कुछ झगड़ा जो स्पॉट है वहाँ पे हुआ और उस झगड़े के बाद इसने जो हत्या को अंजाम दिया गया है। इस तरीके का पूरी जो वारदात है आई है सामने और एक्यूज को अभी हिरासत में लेके आगे का इन्वेस्टिगेशन उरल पुलिस स्टेशन कर रही है। सर ये जानना चाहेंगे कि आपकी के फेसबुक पे कई कमेंट्स आए हैं त्याचं कसं आहे की तो ती जेव्हा रिस्पॉन्ड करत नाही किंवा जो काही राग आहे तर तो सांगायचा की मी आपली सोबतचे फोटो मी काही अपलोड करेल आणि त्याने केले आणि नंतर त्याचं म्हणणं की मी ते डिलीट पण केले मला जेव्हा ती भेटायला आली, म्हणजे हा थोडासा ब्लॅकमेलिंगचा पण प्रकार आम्हाला दिसतो। नाही असं 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 तो काही बोललेला नाही अजून परत, त्याने कोणाला सांगितलं होतं त्याने केलं आणि तो निघा आणि तसं आहे तो जाणं येणं करायचं त्याच्यामुळे आला आणि परत गेला एवढाच तो विषय होता। नाही नॉर्मल असावे त्याच्यात असं हे नाही 23 आला सकाळी 11 वाजता इथून निघाला नाही तो घरी नाही गेला नातेवाईकाकडे गेला आणि तिथून मग तो त्याला लक्षात आलंच असेल तोपर्यंत तो लपायसाठी त्याने जे काही त्याला मार्ग पर्याय उपलब्ध होते ते त्याने करण्याचा प्रयत्न केला। ते तेव्हाच ऑफ झाला त्याच दिवशी सेम डेला, त्याच्यामुळे ते जास्त चॅलेंजिंग होत आमच्यासाठी पण कट झाला तो राहणार आहेस ते त्याच दरम्यानची गोष्ट आहे। मी जे म्हटलं आपल्याला की जर आपण 1-1.5 तासाचं पकडलं सोबत ते होते त्याच वेळेसची गोष्ट आहे ती। त्या मित्राला फोन केल्यानंतर त्याचा फोन त्याने उचलला नाही कारण तो जॉबवर होता ड्रॉवरमध्ये होता, म्हणून तिने त्या मित्राच्या काकाला फोन केला। काकाला फोन केल्यानंतर हा परत त्या नंबरवरती ट्राय करत होता, त्याच्या म्हणण्यानुसार तिचा नंबर लागत नव्हता किंवा ती उचलत नव्हती, म्हणून त्याने परत ह्या मित्राला कॉल करून कळवलं की असा तिचा फोन आला तो जरा बघताय काय मी रेंजमध्ये नाही आहे नीट। आता ते काय की त्यांचा तो कौटुंबिक विषय असल्यामुळे आम्ही विचारपूस करण्याचा प्रयत्न केला पण अजूनपर्यंत तशी काही माहिती आमच्याकडे नाही आलेली आहे। केस आता सध्या अजून आय गेस बोर्डावरती आलेली आहे का? नाही अजून नाही आली, सबमिट झालेली चार्जशीट जुलै किती सांगता तुम्ही? नाही त्याची माहिती अजून नाही आहे नक्की का नाही NBW निघाला, तर मी तुम्ही सांगताय आता ते माझ्या लक्षात आलं मी चेक करतो। ते बरोबर त्याचं कसं आहे की तो ती जेव्हा रिस्पॉन्ड करत नाही किंवा जो काही राग आहे तर तो सांगायचा की मी आपले सोबतचे फोटो मी काही अपलोड करेल आणि त्याने केले आणि नंतर त्याचं म्हणणं आहे की मी ते डिलीट पण केले मला जेव्हा ती भेटायला आली, म्हणजे हा थोडासा ब्लॅकमेलिंगचा पण प्रकार आम्हाला दिसतो। आरोपी यही सर क्या सर?